शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनका बेल जो है वो रिजेक्ट हो गया। जैसे ही बेल रिजेक्ट हुआ, व्हाट्सएप चैट का मामला सामने आया और अनन्या पांडे जो हैं उनको एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया। एनसीबी ने जांच पड़ताल की है। टोटल दो दिन से बार बार अनन्या पांडे को बुलाया जा रहा है एनसीबी के दफ्तर में। लेकिन अब अनन्या पांडे के बाद जो है दूसरी एक्ट्रेस पे भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। आपको बता दें कि अब बारी है जैकलिन फर्नांडिस की, और जैकलिन फर्नांडिस के तरफ से भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस जो हैं उनके ऊपर टोटल 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था और ईडी ने जो है जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया था। अब जैकलिन फर्नांडिस के तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट साझा किया गया है कि वो किसी भी लॉन्ड्री केस में, यानी कि जो मनी लॉन्ड्री का केस है, उनके साइड से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो जो है पूरा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जैकलिन फर्नांडिस के तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ईडी एजेंसी के साथ जो है पूरा कोऑपरेट करूँगी, उनकी पूरी सहायता करूँगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिपोर्ट्स उनको चाहिए होगी, मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करूँगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी केस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूँ। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे ही थोड़ा बहुत और रिसर्च होगा, जैकलिन फर्नांडिस का जो भी सच्चाई वगैरह है वो पता चल जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।